हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं टाइटैनिक शिप की मिस्ट्री के बारे में, कि जो टाइटैनिक शिप था भाई वो कैसे डूब गया था, उसके जो कंपनी जिस कंपनी ने उसको बनाया था उसने तो ये बताया था भाई कि ये जो शिप है वो कभी भी नहीं डूब सकता है, तो ऐसा क्या हुआ था उस शिप के साथ कि वो डूब चुका था। तो आपको बता दें, टाइटैनिक शिप जिसको भाई पूरा नाम था RMS टाइटैनिक, जिसको बनाया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने, और ये जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी इसने भाई 31 मई 1911 को इस शिप को पूरा कंप्लीट कर दिया था। और उस समय जो बनाने में जो भाई पैसे लगे थे वो आज के ज़माने में अगर हम लोग देखते हैं तो वो करीब $150 बिलियन थे, यानी कि $150 मिलियन आज के ज़माने के जो है उस समय टाइटैनिक को बनाने में लगे थे। टाइटैनिक जहाज बनने के ठीक अगले साल 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र के लिए तैयार हो गया। इसमें करीब 2200 लोग बैठे हुए थे जब ये जहाज जाने वाला था। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए जाने वाला था। पहले दो दिन इसका सफ़र जो था भाई नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वो सही ढंग से गया, मगर अचानक से मौसम परिवर्तन आने की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बड़े बड़े बवंडर आने लगे। इससे जो कोई नुकसान टाइटैनिक को नहीं हुआ, लेकिन अब आगे का रास्ता देखना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस समय भाई रात को ना चांद निकला हुआ था और बवंडर आने की वजह से आगे का रास्ता धुंध था, पूरे में धूल छाई हुई थी, तो रास्ता साफ तरीके से नहीं दिख रहा था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपने तय रूट और तय समय के साथ सफ़र कर रहा था, और शिप में बैठे लोगों को ये नहीं पता था कि आज उनका आखिरी दिन होने वाला है। रात के 10 बजे अचानक फिर से वही बड़े बड़े बवंडर आने लगे, और ये देखकर एडवर्ड स्मिथ जो कि भाई वहाँ के कैप्टन थे, उस शिप को कैप्टन थे जो चला रहे थे इस शिप को भाई, उन्होंने भाई शिप की स्पीड को धीमी कर दिया और वो डर गए, क्योंकि भाई आगे उनको कुछ नहीं दिख रहा था, वो जो बवंडर थे वो इतने बड़े थे कि उनसे उन्हें डर लगने लगा और आगे भाई उन्हें कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इस वजह से उन्होंने शिप की स्पीड धीमी कर दी। और फिर बाद में उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के जो चेयरमैन थे उस समय उनको भाई कॉल किया, जिनका नाम था जे ब्रूस। इसमें एडवर्ड स्मिथ ने उनको बताया कि भाई जो यहाँ पे बड़े बड़े बवंडर आ रहे हैं, मैंने अपने शिप की जो भाई स्पीड है वो कम कर दी है, क्या मुझे शिप की स्पीड ऐसे ही करनी चाहिए। निकल जो भाई जे ब्रूस इसमें थे उन्होंने एडवर्ड स्मिथ को ऐसा बताया कि जो उन्हें शिप की जो स्पीड है उसको बढ़ानी चाहिए। फ़ोन कॉल के पहले जो भाई एडवर्ड स्मिथ थे उन्होंने स्पीड को धीमे करके 25 किलोमीटर पर आवर कर दिया था। निकल उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन के फ़ोन कॉल के बाद जो स्पीड थी उसको बढ़ा दिया, जो कि हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो भाई शिप की स्पीड थी वो कोई नॉर्मल स्पीड नहीं थी, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर से शिप चल रही थी, और 11:20 में उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें दूसरे जो शिप के लोग होते हैं, दूसरे शिप के कैप्टन होते हैं, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आगे भाई 6 बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टाने हैं इस रूट में। जब तक भाई वो क्या कहते हैं कुछ समझ पाते एडवर्ड स्मिथ, आगे जो 6 चट्टाने आने वाली थी उसमें से एक चट्टान उनके सामने आ जाती है। एडवर्ड स्मिथ शिप को तुरंत रोक नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय वो इतनी स्पीड से चला रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे, जिसको रोकना नामुमकिन था। तो उन्होंने भाई शिप को बाय काट के एक जो चट्टान थी उसका सामना कर लिया। अब बचे थे 5 चट्टानों का भी सामना उनने धीरे धीरे कर लिया, और भाई अब वो 5 चट्टानों का सामना करने के बाद वो जो उनका रूट था साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जाने वाला रूट था उससे वो भटक चुके थे, क्योंकि शिप इतना तेज था और बीच बीच में बर्फ़ के पत्थर आ रहे थे, उनको क्रॉस करने के चक्कर में उनका जो रूट था उससे वो भटक चुके थे। अब भाई 11:40 में उनके पास एक और भाई इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें भाई दूसरे शिप के कैप्टन बताते हैं कि आगे और भी बड़े बड़े पत्थर हैं बर्फ़ के। अब जब तक वो कुछ सोच पाते जो उनका शिप था भाई वो बर्फ़ के पत्थर से जाके टकरा जाता है, और ये इतनी तेज़ी से शिप टकराता है जाके कि जो टाइटैनिक शिप था उसके 2 टुकड़े हो चुके होते हैं, और इसी के चलते भाई जो टाइटैनिक शिप था 2 टुकड़े होने के बाद भाई वो पानी में जाके डूब गया, और भाई इसमें कम से कम 1517 लोग मर गए थे उस समय। 2200 में से 1517 लोगों की जान चली गई थी।